जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है, जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है, सलीब उदार सजाओ कि जश्न का दिन है। तर्ब की बज्म है बदलो दिलों के पैराहन, तर्ब की बज्म है बदलो दिलों के पैराहन, जिगर के चाक सिलाओ कि जश्न का दिन है, जिगर के चाक सिलाओ कि जश्न का दिन है। तमीज रहबरो रहजन करो ना आज के दिन, तमीज रहबरो रहजन करो ना आज के दिन, हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है, हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है। मौजूद ख्वातिम हजरत, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मेरा नाम मनु सिकंदर ढींगरा है और मैं अब आपको कुछ किस्से, कुछ कही, कुछ नस्में सुना रहा हूँ फैज अहमद फैज साहब की। तुम ना आए थे तो हर एक चीज वही थी कि जो है, आसमां हद नजर रह गुजर रह गुजर, शीशाए मैं शीशाए मैं, और अब शीशाए मैं रह गुजर रंग फलक, रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक, रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक, चंपई रंग कभी राह दे दीदार का रंग, सुरमई रंग है के साथ बेजार का रंग, जर्द पत्तों का खसोखार का रंग, सुर्ख फूलों का तहते हुए गुलजार का रंग, अब जो आए हो तो ठहरो, अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग कोई रुख कोई शय एक जगह पर ठहरे, कि फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है, आसमां हद नजर रह गुजर रह गुजर, शीशाए मैं शीशाए मैं। जो कुछ लिखो अपने दिल से लिखो, किसी के कहने की वजह से मत लिखो, सवाब की खातिर मत लिखो, यहां तक कि सियासत की खातिर भी मत लिखो, जो दिल से बात निकलती है वही लिखो, अगर दिल से बात नहीं निकलती मत लिखो। रात यूं चुपके से तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं चुपके से तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बात नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मंटो अमृतसर में हमारा शागिर्द था, क्लास में कभी कभी आता था। एक दिन हमने पूछा, भाई क्लास में नहीं आते क्या करते रहते हो? बोला पढ़ता रहता हूं। किसे पढ़ते हो? बोला चेकअप को और टॉलस्टॉय को। अच्छा तो फिर इस कहानी का तर्जुमा करके ला। कुछ दिन बाद वो तर्जुमा करके लाया तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ो और तर्जुमा करो। आगे वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, आगे वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मधोर जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूध इबादत की है, तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, तुझ पे भी बरसा है उसी बांग से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटाती हम, तुझ पे भी उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझ पे भी उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है
क्यों उम्र गवा दी हम? किसी पे गुजरा होगा तो उसने किसी से कहा होगा, किसी से कहा होगा तो किसी ने सुना होगा, किसी ने सुना होगा तो किसी को सुनाया होगा, जिसको सुनाया होगा उसने फिर किसी को सुनाया होगा, और फिर जिसने सुना होगा उसने लिखा होगा किस्सा। तो मैं आपको सुना रहा हूं फैज अहमद फैज साहब के अजीज दोस्त और फेमस राइटर कृष्ण चंद्र का किस्सा। ये कांग्रेस 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद आयोजित हुई थी। मैं और फैज दोनों होटल मॉस्कवा के में ठहरे हुए थे, मगर एक दूसरे से मुलाकात की नौबत नहीं आई थी। पहली शाम में जब मॉस्कवा होटल के लंबे चौड़े डाइनिंग हॉल में खाने के लिए गया तो प्रत्येक देश के प्रतिनिधि की एक मेज अलग सजी हुई थी और उसी मेज पर उस मुल्क का छोटा सा झंडा लहरा रहा था। मैंने देखा तो पाकिस्तान की मेज और हिंदुस्तान की मेज के बीच कम से कम 30 और मेजों का फासला था। मैं मुस्कुराकर चुप रहा और अपनी मेज पर बैठ गया। फैज अभी तक अपनी मेज पर नहीं आए थे। इतने मैंने देखा कि फैज किसी दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर अपनी मेज की तरफ बढ़ रहे। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेरी तरह चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, शायद उन्हें भी किसी दूसरी मेज की तलाश थी। यकायक मेरी और उनकी आंखें चार हुई, वो फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मैं अपनी कुर्सी से। उस वक्त सारा हॉल हम दोनों की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। फिर ये हुआ कि मैं अपनी मेज पर से हिंदुस्तानी झंडा लेकर उठा और फैज अपनी मेज से पाकिस्तानी झंडा लेकर उठे और हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए मेज पार करते हुए एक मेज पर आकर रुक गए। उस मेज पर हम दोनों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ लहरा दिए और एक दूसरे से लिपट गए। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये तालियां उस वक्त तक बजती रहीं जब तक फैज और उनकी इंटरप्रेटर मैं और सलमा और हमारी इंटरप्रेटर अरीना उस टेबल के चारों तरफ बैठ न गए। फैज ने मुझसे कहा, कृष्ण क्या समझते हैं ये लोग, हम लोग भी क्या सांप्रदायिक सियासतदानों की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं? अदब में ये दुश्मनी नहीं चलती और काश कहीं भी ना चले। फिर उन्होंने मेरी तरफ झुककर पूछा, अबे यार कृष्ण तुम्हारी इंटरप्रेटर तो बड़ी खूबसूरत है, कहां से आई? मैंने कहा बदल लो, मगर याद रखना ये यहूदन है। हम सब हंसने लगे और जाम से जाम टकराने लगे, दो झंडे साथ लहराने लगे। दूसरे दिन फैज को वियना जाना था, मुझे और सलमा को वापस आना था। होटल के लंबे चौड़े लाउंज में एक दूसरे से इस शिद्दत से हम गले मिले और इतनी देर तक गले लगे रहे कि हमारे आसपास दूसरे मुल्कों के कोई 60-70 लेखकों का ग्रुप इकट्ठा हो चुका था। मेरी और फैज की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन हमारे आसपास हर आंख में आंसू तैर रहे थे। शायद उस वक्त बहुत से मुल्कों के लेखकों बुद्धिजीवियों को यह एहसास हुआ था कि यद्यपि हम एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो इतना पुराना रिश्ता है वो किसी तरह से टूट नहीं सकता। फैज ने अपनी जेब से कागज के दो पुर्जे निकालकर मुझे दिए और कहा, ये दोनों नज़में कहीं नहीं छपी, पाकिस्तान में मैंने लिखी, मैंने मॉस्को में कही। फिर बड़े जोर से हाथ मिलाया, बड़े मजबूत लहजे में बोले, ये जुदाई वक्ती है ऐ दोस्त, ये जुदाई वक्ती है ऐ दोस्त, हम फिर मिलेंगे। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं। कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चरागे सरे राह कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी ये शब में कभी नहीं आई, नजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई।